वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनदीप सिंह और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है वीवो का वाई सीरीज का Y20। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। करते हैं अनबॉक्सिंग करके देखते हैं तो ये किस तरीके का दिखेगा अंदर से और इसके सारे फीचर्स और इसके साथ क्या क्या मिलेगा वो बात करते हैं। तो दोस्तों फोन हमारा अनबॉक्स हो गया है, तो अनबॉक्स होने के बाद तो आपको फोन इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो अगर इसकी लुक्स देखी जाए तो लुक्स बहुत ही अच्छी डिजाइन की दी गई है, बहुत ही प्यारी लुक लग रही है फोन की। और आप पीछे से अगर इसके देखोगे तो आपको तीन कैमरे दिखेंगे और नीचे ही इसकी फ्लैश दिखेगी। उसके डिजाइन की अगर बात करें, डिजाइन इसका कंपनी ने बहुत ही प्यारा डिजाइन दिया, आप इसकी स्लीकनेस देखोगे बहुत ही अच्छी है। इसके हम कैमरे की अगर बात करते हैं तो कैमरे में सबसे पहला जो इसका कैमरा मिलेगा हमें 13 मेगापिक्सल का मिलेगा, और जो सेकंड कैमरा हमारा 2 मेगापिक्सल का है वो माइक्रो है, और जो हमारा थर्ड कैमरा है वो है डेप्थ। उसी के साथ आपको नीचे फ्लैश मिल जाती है, आप देख सकते हो। और जो इसके कैमरे की लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है। और अगर इसके फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें, फ्रंट कैमरा इसका हमें कंपनी ने जो दिया 8 मेगापिक्सल दिया है। और दोस्तों अगर इसके अंदर आपके एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए, एंड्रॉयड वर्जन आपको इसके अंदर 10 मिलेगा। और इसके अंदर अगर स्टोरेज और रैम की बात की जाए तो इसका जो वेरिएंट हमारे पास है वो है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाला। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए बैटरी एमएच की, तो इसका बैटरी एमएच है 5000mAh का। और जो इसके साथ चार्जिंग आपको जो मेन मिलेगी वो है 18W का इसके साथ चार्जर मिलेगा, जो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग करेगा फोन को। और अगर इसके प्रोसेसर की अगर बात करें, प्रोसेसर इस बारी कंपनी ने इसका बहुत ही बढ़िया दिया है, 460 का स्नैपड्रैगन इसके साथ आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। और दोस्तों जो लोग बेसिकली जो नॉर्मल स्मार्टफोन जो यूज़ करते हैं, वो अगर छोटे फ़ोन से अगर थोड़े अच्छे स्मार्टफोन पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ोन रहेगा ये। और दोस्तों अगर हम इसके फिंगरप्रिंट की बात करें, फिंगरप्रिंट कंपनी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे दिया है, जहां से आप इसका अनलॉक वगैरह यूज़ बटन यूज़ करते हो वहीं पर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बटन दिया है। तो दोस्तों इसका यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है, ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, जिसके साथ ही आपको फिंगरप्रिंट साथ ही मिलेगा। और दोस्तों अगर इसके USB पोर्ट की बात कीजिए, माइक्रो USB इसके साथ पोर्ट मिलता है। और इसका स्पीकर की अगर बात कीजिए, स्पीकर आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो साउंड क्वालिटी जो मिलेगी, और इसके साथ आपको 3.5mm का ऑक्स जैक मिल जाएगा। डिस्प्ले साइज की अगर हम बात करें, 6.5 इंचेस की इसकी डिस्प्ले मिलेगी, LED पैनल होगा। और इसकी जो डिस्प्ले क्लैरिटी है बहुत ही अच्छी है क्लैरिटी इसकी। अगर ओवरऑल अगर फोन की अगर बात की जाए, मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट फोन है। अगर इसके बैटरी एमएच बोले तो बैटरी एमएच इसका बहुत ही बढ़िया 5000 का मिल जाता है। और इंटरनल अगर स्टोरेज और रैम की बात करें, रैम भी आपको 4GB और 64GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। और गाइस अब इसके प्राइसिंग की अगर बात करें, फोन की प्राइसिंग वीवो कंपनी ने बहुत ही एक नॉर्मल सा प्राइस रखा, 12990। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके की आपको नई नई वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। इसी के साथ थैंक यू।